Welcome to Institute of Commerce channel. Today's topic of discussion will be interest on capital. How the treatment to be done for interest on capital in the partnership firm. Actually, interest on capital to be paid by the firm to the partners. But if firm is having profit, then that payment has to be made. But there are certain clauses which we have to understand. These five clauses, we can say these five cases to be discussed, so that you should be able to know how to treat interest on capital in the books of accounts, how will the payment will be done to the partners in case of interest on capital. मैंने कुछ situations ली हैं. मैंने situation ये ली है कि profit sharing ratio among partners will be 3:2, and there are two partners and their capital has been invested is 2 lakh and 1 lakh. यानी partner A की जो capital business में लगी है वो 2 लाख रुपए है और partner B की capital लगी है 1 lakh. अब ये लोग interest इनको देना है. अब इंटरेस्ट देने के लिए कुछ चीजें हैं जो हमें डिस्कस करनी है. मेरा केस वन, केस वन में मैंने लिखा है कि पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. देयर इज नो क्लॉज इन द पार्टनरशिप डीड रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. कोई पेमेंट नहीं होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की. अगर आपने क्लॉज ही नहीं डलवाया तो पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटेड टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. सो फर्म के पास जो भी प्रॉफिट है, प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है आपका? पीएनएल अकाउंट से आपका प्रॉफिट आ रहा है. पीएनएल अकाउंट से आपका प्रॉफिट आया 50,000 रुपीज का. केस वन के केस में, मैं यहाँ केस वन सबसे पहले डिस्कस कर रही हूँ. केस वन के केस में पार्टनर्स आर नॉट एंटाइटेड टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. द होल अमाउंट विल बी शेयर्ड बाय द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो आपने क्या करना है, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. यहाँ पर अगर प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे ए और बी के केस में, तो आपका 50,000 का प्रॉफिट है, 3:2 में देना है. तो 30,000 एंड 20,000 शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड. तो आपने कर दिया डिस्ट्रीब्यूट. ये है आपका केस वन. केस वन का ट्रीटमेंट होना है ये. मैं साथ के साथ रब कर रही हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. और कहीं पे भी आपको कुछ लगता है कि कहीं दिक्कत आ रही है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन भी जो मैंने यहाँ पर लिखा है उसकी मैं फोटो शेयर कर दूंगी, डेटा शेयर कर दूंगी मैं पूरा. तो देखिए ये सिचुएशन है केस वन की. अब केस टू के केस में, केस टू के केस में हमारे पास प्रॉफिट, तो केस टू में हमारे पास लॉस आ रहा है. अब लॉस के केस में हमें क्या करना है? पहली बात तो लॉसेस जो होते हैं हमारे, हमें पहले ही पता चल गया फर्म इज इन लॉस, तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. आपको क्वेश्चन में हमेशा देखना है, सेकंड केस में बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 8% एंड फर्म इज हैविंग अ लॉस ऑफ 50,000. ठीक है जी, फर्म को लॉस हो रहा है, लॉस फॉर द ईयर 50,000 रुपीज का. अब अगर फर्म को लॉस है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पेमेंट का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता, फर्म के पास प्रॉफिट ही नहीं है. अब क्वेश्चन में आपके पास है कि लॉसेस फॉर द ईयर इज दिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8%. पहली चीज, ये जो आप एप्रोप्रिएशन करेंगे, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये जो लॉस शेयर करोगे आप, जो लॉस शेयर होगा वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा. यहाँ पर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा. फॉर्म तो 50,000 रुपए का लॉस शेयर सफर कर रही है, तो ये सारा का सारा लॉस टू बी शेयर ए और बी बोथ विल शेयर, क्योंकि फॉर्म इज सफरिंग लॉस, तो इंटरेस्ट का तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता है. तो आपका 50,000 का लॉस आप पीएनएल अकाउंट में शो करेंगे, यहाँ पर पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा. ये हुआ आपका केस टू. यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँ, दिस इज द केस टू. ठीक है जी, थर्ड केस. केस थर्ड में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि देयर इज एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेमेंट ऑफ 8% एंड प्रॉफिट इज 50,000. ठीक है जी, अब हमारे पास फिर से प्रॉफिट आ रहा है, तो ठीक है हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और हम देखते हैं कि हमारे पास कितना प्रॉफिट है. यहाँ पर हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बिल्कुल बनाएंगे. हमारे पास केस थ्री में, केस थ्री देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 50,000. प्रॉफिट फॉर द ईयर आप मेंशन कीजिए या पीएनएल अकाउंट मेंशन कीजिए, तो 50,000 रुपीज का हमारे पास प्रॉफिट है. ठीक है जी, हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनता है? 2 लाख रुपए इसने लगाए हैं, 1 लाख रुपीज इतने लगाए इसने लगाए हैं. हमारा 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है. फर्म को पेमेंट करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पेमेंट ए और बी दोनों पार्टनर को होगी,
फर्म के लिए लायबिलिटी है, फर्म के लिए एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट में आएंगे। तो हमारा 8% अगर हम निकालते हैं तो 16,000 हमारा ए को इंटरेस्ट मिलेगा, 8,000 हमारा बी को इंटरेस्ट मिलेगा, तो 24,000 रुपीज की पेमेंट हुई। अब 50,000 के प्रॉफिट में से 24 की पेमेंट करने के बाद आपके पास बचते हैं 26,000, ये पार्टनर शेयर करेंगे। प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए एंड बी, तो ये हम अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में शेयर करेंगे। हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2, तो 26,000 इंटू 3/5 15,600 13,000 will be shared by B. So this is the case 3. Case 3 के केस में हमारे पास sufficient profit था, हमने interest और capital की भी payment कर दी, उसके बाद residual profit जो बचा वो partners ने अपने profit sharing ratio में share कर दिया। ये तो हुआ आपका case 3. अब हम case 4 को discuss करते हैं जो बहुत exam में आता है, अब हम उस पर discussion में जाते हैं। ध्यान से देखिएगा केस 4 और जो 5th केस है ना, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस आई मस्ट, क्योंकि ये केसेस सबसे ज्यादा दिए जाते हैं, ये 1 मार्कर में भी आते हैं, लॉन्ग में भी आते हैं। अब देखिए केस 4th में मैंने जो प्रॉफिट दिखाया है दैट इज ओनली 15,000 रुपीस। अब 15,000 रुपए का प्रॉफिट है और वो कह रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पेमेंट करो 8%। अब अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की 24,000 पेमेंट करते हैं तो हमारे पास तो मनी इनसफिशिएंट है, हमारे पास प्रॉपर मनी नहीं है, तो हम तो ये पेमेंट कर नहीं सकते। 15,000 रुपए के प्रॉफिट में से 24,000 रुपए की पेमेंट नहीं हो सकती, एनी अदर इंफॉर्मेशन हैज नॉट बीन गिवन। तो यहाँ पर एक क्लॉज होता है कि इफ योर प्रॉफिट इज इनसफिशिएंट, बट प्रॉफिट इज देयर, लॉस नहीं था, प्रॉफिट था, तो जितना प्रॉफिट था वही डिस्ट्रीब्यूट होगा, कौन से रेशियो में होगा वो रेशियो आप कैपिटल रेशियो ले सकते हैं या आप इंटरेस्ट रेशियो ले सकते हैं, दैट मैटर्स, कुछ भी ले लो दोनों ही सेम ही आएंगे। तो अगर हम ये इंटरेस्ट रेशियो लेते हैं तो 16:8 हो गया, यानी हमारा 2:1 बन गया, 2:1 में, और यही हमारी कैपिटल इंक्लूज है। तो कैपिटल रेशियो कीजिए या आप इंटरेस्ट रेशियो कीजिए, दोनों चीजें आपकी सेम आएंगी। तो हमें क्या करना है, जो हमारा 15,000 रुपए का प्रॉफिट था वही हम देंगे, क्योंकि हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लॉजिकली तो बनता है 24,000 रुपए, 24,000 नहीं हमारे पास सिर्फ 15,000 रुपए ही है, तो 15,000 ही हम पे करेंगे, वट एवर प्रॉफिट वी आर हैविंग, तो 15,000 विल बी पेड इन 2:1 रेशियो 2/3, तो 10,000 विल बी गिवन टू ए एंड 5,000 will be given to B. ध्यान रखिएगा, if your profit is insufficient as compared to interest on capital, so whatever profit is there, that should be distributed among partner in capital ratio or interest on capital ratio, not in profit sharing ratio. और आपसे ये थ्योरी में पूछा जाता है, तो थ्योरी के 1 मार्कर होते हैं, ये पॉइंट वहां पर भी काफी पूछा जाता है। ये हुआ आपका केस 4 का ट्रीट। अब हम लेते हैं केस 5। केस 5 के केस में देखिए ध्यान से, केस 5 में हमारा प्रॉफिट तो 15,000 रुपए का ही है, ठीक है। अब 15,000 रुपए का प्रॉफिट है एंड व्हाट दे आर सेइंग इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% टू बी पेड इन रेस्पेक्टिव ऑफ द लॉसेस, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तो 8% पेमेंट करनी ही करनी है कंपलसरीली, चाहे फॉर्म पर लॉस ही क्यों ना हो, ये मेंशन होता है। अब फॉर्म पर लॉस हो रहा है, ठीक है, हमें पता है कि हमारा इंटरेस्ट 16,000 रुपए और हमारा 8,000 रुपए बनता है, भाई साहब 24,000 रुपए का तो पेमेंट हमें करना ही करना है, प्रॉफिट है या नहीं है दैट डजंट मैटर, तो लॉस फॉर्म बियर करेगी फॉर्म कौन, पार्टनर ही बियर करेंगे, उन्हीं को ही बियर करना है, तो ठीक है 24,000 की हम पूरी पेमेंट करते हैं, इसमें हमें लॉस होगा, क्योंकि आपको ये सारे ट्रीटमेंट्स देखने हैं कि कहां देना है। अब इसमें हमें दिख रहा है कि हमें लॉस है, तो ये सारा ट्रीटमेंट आप पीएनएल अकाउंट में शो कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्म को तो लॉस ही होने वाला है, फॉर्म इज गोइंग टू सफर अ लॉस, ठीक है। तो 24,000 में से 15,000 रुपए तो हमारे चलो ठीक है सेटल हो गए, बचे कितने 9,000 रुपए, हु विल शेयर दिस लॉसेस, लॉस टू बी शेयर बाय पार्टनर्स ए और बी,
अब 9000 का लॉस हमें 3/5 में 5400 तो पार्टनर ए विल शेयर एंड 4500 पार्टनर बी विल शेयर. नहीं एक मिनट, 9000 माइनस 5400 हमारे 3600 सॉरी. तो दिस इज द ट्रीटमेंट टू बी डन कि आपका अगर उस क्वेश्चन में मेंशन है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की पेमेंट कंपलसरी करनी है, इफ फॉर्म इज सफरिंग लॉस स्टिल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी पेड, इन दैट केस व्हाटएवर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दैट शुड बी पेड डेबिट में पे करेंगे. हमें पता चला 24000 रुपए आ रहा है, प्रॉफिट सिर्फ 15000 रुपए का, 9000 रुपए का फर्म को लॉस होगा. हु विल शेयर? पार्टनर्स विल शेयर. कौन से रेशियो में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. ये पांच केस है, दीस फाइव केसेस आर देयर इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अगर आपको ये क्लियर हो जाते तो ये कांसेप्ट आपका क्लियर हो जाता है. तो आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट इन फ्यूचर जो भी टॉपिक्स आए आप उसको देख के इन छोटे छोटे वीडियो से अपने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर वर्क करें. क्योंकि एक एक दो दो घंटा हम कई बार जगह करते रहते हैं कि हमें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता. इसके अलावा इस 10 मिनट की वीडियो से ज्यादा कंटेंट नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को समझने के लिए. ये अगर पांचों केस क्लियर है तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.